आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। राज्य सरकार द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से श्रमिकों का सीधा निबंधन करा देने के बाद अब बिचौलिया श्रमिकों का हक नहीं मार पाएंगे। बताते चले कि संथाल परगना से मजदूर वर्ष 1970 से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क बनाने का काम करने जाते रहे हैं। पहले यह कार्य बिचौलिया के माध्यम से होता था, परंतु इस बार जब मजदूर लॉकडाउन में वहां से हवाई मार्ग से वापस लौट कर आए और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन मजदूरों की स्थिति के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने पहल कर बीआरओ और श्रमिकों के बीच सीधा निबंधन कराया। पहले बिचौलिया श्रमिकों का पैसा खा जाते थे, इस बार सरकार के पहल से ऐसा नहीं होगा। अब कंपनी सीधे श्रमिकों के खाते में पैसा डालेगी। इस कारण इस बार श्रमिकों में दे लद्दाख जाने की एक अलग उत्साह है। सरकार भी जिला प्रशासन के माध्यम से श्रमिकों को जागरूक कर रही है ताकि श्रमिकों को बिचौलिया के चंगुल से मुक्त कराया जा सके। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। इस बार कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहे हैं, अभी सरकार मदद दे रहा है, अभी सब सरकार खर्चा दे रहा है और हम लोग अभी लॉकडाउन में घर में ही, हम लोग बाहर से आए नहीं हैं, घर में हैं हम लोग। हम लोग जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है हम लोगों को। लेकिन जब आपको पूरा आपका हक मिलने वाला है तो नहीं बन रहा है। इतने दिन आपके जरिए तू को मान लू, अब आगे से जितना आपका अगर 15,000 का सैलरी है महीना का, 15,000 आपके पास रहेगा। कि कहाँ जा रहे हैं और क्या योगदान रहेगा देश के लिए? देश के लिए आगे अच्छा रहेगा साहब। नहीं, पहले शुरू से बताइए ना, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? अब नाम बताइए, पता बताइए। नाम सुभाष मंडल है। जैसे हम लोग आए झारखंड से, जा रहे हैं दुमका जिला से, जो लेबर जा रहा है मजदूर, तो एक रोड के सुरक्षित बनाने के लिए, अब बना के उसके बाद आगे सेना चलेगा, उसके बाद मजदूर चलेगा साहब। इसको लगता है कि ये देश सेवा है। देश सेवा हुआ। चले ठीक। ये अभी मात्र पहला ट्रिप कहिए इसको, या चंद कुछ गिना चुना लोग कहिए जो जा रहे हैं सर। मुख्य जो अभी जाएंगे वो तो जाएंगे मैच के हिसाब से। कितने सारे वर्कर का अभी जो है आधार कार्ड जमा है, कितने सारे वर्कर का वो जाएंगे मैच के ही साथ, बहुत सारे ऐसा। ये तो कुछ गिना चुना है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में ये आदमी को पता भी नहीं है कि कहाँ से भर्ती हो रहा है, कहाँ से ज्वाइनिंग है, क्या लेबर कार्ड बनेगा, क्या उसको अपना जानकारी नहीं है। वो हर साल की बात थी, इस साल भी टेंडर के 30,000-40,000 में टेंडर लेके 4 महीना 15 दिन 4 महीना 20 दिन जाएगा बाहर से। ऐसा कोई ये नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है। बस जिसको पता है, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं, उनको मालूम पड़ा 10 आदमी के माध्यम से, तो वो जा रहे हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि सर खाली यहीं का, ऐसा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ अभी वर्कर को ये भी नहीं पता है लेबर को कि कहाँ जाना है, क्या है, सब वो अगले बार की तरह ही सोच रहे हैं। कम से कम अभी नहीं तो 10,000 आधार कार्ड जमा होगा हर एक मैच के पास, तब वो लोग अपना सेटिंग गेटिंग करके ले जाएंगे। मतलब अभी भी मजदूर बिल्कुल अभी भी एकदम बिल्कुल सर वो भ्रम में अभी भी है, अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ। ये तभी संभव है सर, ये तभी संभव है जबकि यहाँ से जिला प्रशासन हो या हमारे राज्य सरकार यहीं से खाता खुला के उसके हाथ में उसको ATM खाता सब दे देंगे, तब भी यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। नहीं तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में इस बात को पता भी नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, सब अगले बार बाकी जो नगर पालिका से है, नगर पंचायत से, उनको जो हल्का फुल्का मालूम चला है तो आ रहा है। वही लोग पहुँच बिल्कुल 1500-2000 आदमी मान के चलिए यहाँ भीड़ रहता है, लेकिन वहाँ आदमी जाता कम से कम 60,000-70,000 वर्कर काम करते हैं, CPL वर्कर। एक RCC में कितना डेट होता है, एक डेट में कितना वर्कर रहते हैं सर CPL? तो इसके लिए सर कुछ ऐसा ठोस निर्णय लेना चाहिए कि यहीं से सारा कुछ हो करके यहीं से तभी कुछ लेबर का सर जो ये है। और रही बात काम का सर क्यों जा रहे नहीं, तो कम से कम झारखंड सरकार को सर कुछ यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह कुछ ऐसा डालना चाहिए या कुछ ऐसा राजस्व को बढ़ाना चाहिए जो यहाँ का लोकल वर्कर बाहर नहीं गया। जब तक यहाँ कोई जीविका का सर जीवन निर्वाहन का साधन नहीं होगा तो आदमी तो साधन के लिए बाहर ही जाएगा सर, कमाने के लिए तो बाहर ही जाना पड़ेगा सर। क्या नाम है? आनंद कुमार झा। सर वहाँ जर्मन खाना पीना।
पे सबसे ज्यादा तनख्वाह सरकारी वालों का है, सबसे ज्यादा काम हम लोग करते हैं सीपीएल वर्कर, लेकिन हमारा तनख्वाह 12,000-13,000 खा पी के खत्म हो जाता है। तो ऐसा सरकार से दरखास्त है कि हमारा पेमेंट कुछ बढ़े। एक तो वॉर का समय है, ऊपर से कोरोना काल है और हम जा रहे हैं वहाँ काम करने के लिए, ये काम हम आज नहीं जाना है, पिछले भी पहले भी किए हुए हैं हमने, हमारे दादा परदादा सब वहीं मर गए हैं काम करके, लेकिन पेमेंट कर कम है साहब, मतलब पेमेंट हमारे सरकार का पेमेंट बढ़े। हम लोग 6 साल से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सारा काम करते हैं। पिताजी का नाम संतोष करना है। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत कोई चीज़ की नहीं होती है, पैसे की दिक्कत होती है। जब वहाँ से आते हैं तो यहाँ आके सब खत्म हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप किसके थ्रू जाते थे जो पैसे की? पहले मेड के थ्रू से जाते थे, तो वो क्या करता था, हमारा एटीएम खाता रख लेता था और पैसा वो हमें कम देते थे, 50% पैसा वो निकाल लेता था। लेकिन इस बार हम लोग जा रहे हैं अलग से जा रहे हैं, अब ठीक सही है, लेकिन पैसा फिर भी वेतन वहाँ पे कम है। वेतन क्या है, 17,000 है, क्या है, कुछ नहीं है। कम से कम 30,000 होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए हम लोग का वेतन, सबसे ज़्यादा काम हम लोग करते हैं। बस इतना ही बात है सर। क्या नाम है? हाँ सर, क्या नाम है? नाम आवाज कुमार गन है सर। घर कहाँ है? घर बासकीना धाम है, जरमुंडे। और इस बार सर कुछ नियम भी मतलब समझने में आया सुनने में कि बहुत सारा नियम पहले क्या होता था कि हम लोगों का मैच एटीएम खाता वगैरह सब रख लिया करता था, वो नहीं मिलता था हम लोगों को। जो भी हम लोगों का तनख्वाह था उसका मतलब कि आधा से भी ज़्यादा 75% निकाल के वो रख लेते थे, बाकी जो भी मिलता था हम लोग को दिया जाता था। उसमें भी खाना पीना में कोई मतलब वर्कर लोग अगर कुछ खा रहा है तम्बाकू वगैरह तो उसका भी एक्स्ट्रा सारा काट के मिला जुला के सब बराबर कर दिया जाता था। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं वर्तमान सरकार हम लोगों को अपने पास एटीएम खाता देके भेज रही है। कितना उम्र है? हमारा उम्र सर अभी वही 20 साल लगे। 20 साल? बहुत दुर्गम क्षेत्र है। हाँ सर, मैं गया हूँ एक बार, बहुत ही ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ से काम करा है। हाँ, वहाँ पर सर काम करा है। बहुत उत्साह है जाने। हाँ सर, वहाँ कोई दिक्कत वैसा नहीं है सर, मतलब हर चीज़ की वहाँ व्यवस्था सही है, लेकिन इस बार इसलिए हम लोग जाने में एक अलग उल्लास हर्ष उल्लास है, इसलिए क्योंकि इस बार क्या जो विधि व्यवस्था बना के हम लोगों को भेजा जाए ये बहुत ही अच्छा है सर, कि एटीएम खाता वगैरह सारा जो है खुद का मालिक खुद रहे, इसका एक अलग नाम है। आनंद कुमार झा। और अभी सर फिर भी कितने सर देश के लिए जा रहे हैं कि नहीं, चलो सड़क सीमा संगठन में काम करने के लिए, तो बोले चलिए वहाँ पे काम हो रहा है। ऐसा क्या जज्बा है देश के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल सर, वहाँ एक खुद ब खुद जज्बा जग जाता है सर वहाँ जाने के बाद। वो एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ आपको हर एक किलोमीटर के दायरे में 3-4 आदमी ही मिलेगा 1 किलोमीटर के दायरे में, तो इसके लिए वहाँ पे सर एक अलग जज्बा। और बाकी वहाँ पे इतने सारे आर्मी फोर्सेज ITBP ये सारे हैं, तो उन्हीं लोग के साथ मिलके उन्हीं के अंडर में ही सब रहते हैं सर। कह रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पे तनाव है, तनाव इसीलिए तो जा रहे हैं सर कि कम से कम अगर हम लोगों की ओर से अगर कुछ सहयोग मिल जाता है, सड़क बन जाता है, Finger 1, Finger 4 जो भी बताते हैं सर पेंगुइन लेक वगैरह में, तो अगर बन जाता है हम लोग से तो हम लोग ये तो अपना बड़ा भाग्य का बात समझेंगे कि नहीं झारखंड का देवभूमि झारखंड है सर ये, यहाँ से कुछ वर्कर जाके अगर वहाँ काम कर दिए तो ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है सर, देश के लिए काम करना मतलब ये हुआ कि देशभक्ति की भावना भरी। बिल्कुल सर, वहाँ देशभक्ति भी और अपना पेमेंट भी सब कुछ वहाँ बढ़िया है सर, वहाँ कोई ये नहीं, हम लोग काम भी करते हैं तो मिलिट्री का ही टोटल काम होता है सर। बोले कि पेमेंट कम है सर। इसके पहले क्या है अभी नहीं सर, इस बार इसलिए सोचे थे, पहले तो सब आई खा जाता था मैं तो लोग, अभी बार सही नियम है सरकार भेज रही है इसीलिए जा रहे हैं। क्यों यहाँ रोजगार नहीं मिलता? नहीं सर, यहाँ रोजगार तो मिलता है लेकिन उतना नहीं है, लॉकडाउन में तो सब खत्म हो चुका है, काम है नहीं है, काम भी नहीं है। झारखंड में सर काम अगर रहता तो यहाँ का व्यक्ति बाहर बोला जाता सर। एक बात कर, क्या आपने कोई परिवार में है आपके? जी सर, टोटल मम्मी पापा है। कौन कौन है परिवार में? मम्मी पापा दीदी बेटा बेटी सब है। तो छोड़ के जा रहे हैं तो क्या करें सर, यहाँ साल के लिए छुट्टी जा रहे हैं सर, एक मिनट, कमाने के लिए जा रहे हैं, एक सब इस दिन के लिए जा रहे हैं। आइए आगे आइए, क्या नाम है? भंडारी। आइए।